الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بُزُرْغَانِي مُحْتَرَم मिलत इस्लामिया के नौजवानों और पर्दा नशीन ख़वातिन इस्लाम अल्लाह जलाल हम सब का तनहा खालिक तनहा मालिक हम सब का तनहा महूद बरहक़ हमारी और आप की हर एक इबादत हम सब की हर एक रियाजत और बंदगी और हम सब की हर निकी का अकेला और मस्त मबूद बरहक़ है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में ख़ुशियाँ भी लाता है गम के मौके भी लाता है जिसकी तोफ़ी और फजलो करम से आज हमें ये ईद नसीब भी हुई और आज हम इस ईद को अदा करने के काबिल भी हुए जिसकी की नमतें बेशुमार हैं जिसके एहसानात लातदाद हैं जिसकी नेमतों को पहचान कर शुक्र बनना दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है जिसकी बंदगी का एक अज़ीम बाब ये है कि उसकी नेमतों को उसी के राह में इस्तेमाल किया जाए जिसने हमें ये तालीम दी है कि यह दुनिया अल्लाह ने हमें दी है ताकि हम ये दुनिया लेकर हम अल्लाह के हो जाएँ और दुनिया के हम ना हो जाएँ जिसने हमें सबक़ ये पढ़ाया है कि ज़िंदगी नाम है इस बात का कि तुम अल्लाह के की कुर्बान हो जाओ और अल्लाह ताला की खातिर कुर्बानी देना सीख लो जिसने हम और आपको बंदगी का हुक्म भी दिया बंदगी को हमारी ज़िंदगी का मकसद भी बतलाया बंदगी करने का तरीक़ा भी सिखलाया और बंदगी करने वाले बंदों में से आला बंदों की मिसालें हमारे और आपके सामने पेश फरमाई हैं लाखों दरुदो सलाम हो नबी आखिर उज़मा प्यारे नबी मोहम्मद के जाते केामी पर जिन्होंने अल्लाह ताला की बंदगी के इस इम्तिहान को सबसे से ज़्यादा कामयाब तरीक़े से अंजाम दिया जिन्होंने अल्लाह तबरक के बंदों में सबसे बेहतर बंदा बनकर दिखलाया जिन्होंने अल्लाह तबारक की बंदगी क्या होती है क़ुरबानी क्या होती है इशार क्या होता है अल्लाह ताली की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीने का मतलब क्या होता है ये आपने हर पल हमें सिखलाया बतलाया है जिनकी ज़िंदगी को हम पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि क़ुरबानी तो असल में मोहम्मद सल्ला वसम की ज़िंदगी में थी जिनकी सीरत को हम और आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि खुद कुर्बान होकर बंदगी के तकाजों को पूरा करना क्या होता है और जिनकी सीरत मुझको और आपको बताती है कि अपने आप को कुर्बान करके दुनिया को आबाद करना दुनिया को बसाना क्या होता है हाजिन की रामी अल्लाह ताला ने हम और आपको इस दुनिया के अंदर अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है और अल्लाह ने जितने भी बनी आदम आदमत वसलाम की औलाद को पैदा फरमाया आदम से लेके इस दुनिया में आने वाले आखिरी इंसान तक तमाम को अल्लाह तबारक ने बंदगी ही करने का हुक्म दिया और इस बंदगी में सबसे ज्यादा जो बाक़माल हुए उनको अल्लाह तम्बी आलम सलातम करार दिया यानी अल्लाह ताली ने जिनको अपनी नबूत के लिए मंतख किया वह बंदगी के सबसे अली नमूने पर अल्लाह का की मिसाल अल्लाह ताला की तरफ से उसवा करार पाए अल्लाह ने कुरान मजीद में हम और आपको जिन दो अम्बिया का ख़ास तौर पर उवा अपनाने उनको उसवा और नमूना बनाने का हुक्म दिया है उनमें से एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो तमाम अम्बिया के सरदार हैं और दूसरे हज़रत इब्राहीमत वसलाम हैं जो प्यारे नबी महमद्ल् वसम के बाद सबसे अफजल नबी हैं और ख़ुद हज़रत इब्राहीम के बाद सारे अम्बिया जिनके नस्ल में आए वह नबी हज़रत इब्राहीम सलातु वसलामाम हैं और आज की ये ईद ईद हम दरअसल इन्हीं दो नमूनों प्यारे नबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहीम सरात वसलाम अम्बिया, इन दोनों के नमूने को याद करके अल्लाह ताला की बंदगी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मनाते हैं आज की हमारी ये जो ईद है ये दरअसल अल्लाह ताला की बंदगी है ये हमारी और आपकी खुशी है और वहीं हमें और आपको बंदगी का वो सबक याद करने कराने का मौका है कि जिस सबक को अल्लाह ताला ने हम और आपको हर पल पढ़ाया है हर नबी की जबानी अल्लाह ने हमें यही सिखाया कि तुम्हें इस दुनिया में अल्लाह का बंदा बनकर रहना है तुम्हारा कमाल यही है कि तुम अल्लाह के अल्लाह के बंदे बन जाओ और इस दुनिया में कामयाबी का सादा सा रास्ता आसान सा रास्ता यह है कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ और आखिरत में कामयाबी का रास्ता यह है कि तुम अल्लाह ताला के बंदे बन जाओ अल्लाह तबारक के फरमा बरदार बन जाओ आप और मैं ये बात अच्छी तरह से जानते कि इन दिनों में खास तौर पर चाहे हज बैतुल्लाह के नाम पर मुख्तलिफ अमाल और अरकान अंजाम देने वाले मुसलमान हो, या फिर ईदाजी के नाम पर नमाज़ें अदा करके कुर्बानी करने वाले मुसलमान हो। ये तमाम के तमाम बंदगी के उन नमूनों की याद को ताज़ा करते हैं जो हज़रत इब्राहीम सलाम ने अल्लाह ताला की बंदगी के राह में पेश फरमाए थे आप सोचें ज़रा हज़रत इब्राहीम सलासलम की बंदगी में वो क्या बात थी हज़रत इब्राहिम सलात की ज़िंदगी के इन वाकियात में क्या बात थी कि अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए इनको इनको नमूना बना दिया और हुम दिया मिल्ल इब्राहिम हनीफा तुम इब्राहीम की मिलत की पैरवी करो तुम इब्राहीम की मिल्ल की इतबा करो अल्लाह तला ने यह हुक्म अगर दिया तो हज़रत इब्राहीमत की ज़िंदगी में क्या बात थी ऐसी क्या नमूना था हज़रत इब्राहीमतम तो की ज़िंदगी में अगर मैं और आप पुराने मजीद पढ़ कर देखें तो अल्लाह ने इब्राहीम तो सलाम का जहाँ कहीं जिक्र फरमाया है वहाँ हज़रत इब्राहीम तो सलातम की एक खसूसियत का अल्लाह ने बार बार ज़िक्र किया है अक्सर मुकामात पर जहाँ हज़रत इब्राहीम का तजकर आया अल्लाह ने हज़रत इब्राहीमतम की एक सिफत बयान फरमाई और वह सिफत ये कि हज़रत इब्राहिम वसलाम हनीफ थे

आज मेरी और आपकी जिंदगी में इसी सिफत को इसी कैफियत को पैदा करने की ज़रूरत है हनीफ कहते किसको हैं हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि हनीफ उसको कहते हैं जो तमाम अदियान से मुंह फेर कर दीन इस्लाम का पैरोकार हो जाए दुनिया के तमाम अदियान को छोड़ कर दीन इस्लाम का नाम लेवा दीन को अपनाने वाला हो जाए और दीगर मुफसरीन ने लफ्ज़ हनीफ की तफसीर करते हुए जो बात बयान की उसका खुलासा बस ये है कि आदमी हर तरफ से रुख मोड़ कर अपनी तवज्जो अपना रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक की तरफ फेर ले दुनिया की सारी चीजों की तरफ से मुंह फेर ले रुख फेर ले और अपना रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक की तरफ कर ले मेरे भाइयों, अगर हम और आप इस हनीफियत की सिफत अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो वह कैसे पैदा होगी अल ने लिखा है सबसे पहले तो यह है कि दुनिया के तमाम अदियान को छोड़कर दीन इस्लाम को अपना दीन मानकर इसी के पैरोकार बन जाओ हनीफियत यह है हनीफियत यह है कि गैरुल्लाह को छोड़कर दुनिया के तमाम आसरों को छोड़कर के तमाम आस्थानों को छोड़कर तमाम मबूदा ने बातिला को छोड़कर तमाम किस्म के पीर फकीर को छोड़कर तमाम किस्म के दुनिया के सहारों को छोड़कर एक अल्लाह के हो जाओ एक अल्लाह की इबादत करने वाले हो जाओ तुम्हारी जिंदगी का हर मामला सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी का आगाज अल्लाह ही के नाम से होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी का अख्तित अल्लाह के नाम पर होना चाहिए तुम्हारी सुबह अल्लाह के नाम से शुरू होनी चाहिए तुम्हारी तुम्हारी शाम अल्लाह के नाम से होनी चाहिए तुम्हारा हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए तुम्हारी खुशी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए तुम्हारा गम और गुस्सा अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए अल्लाह के लिए जीने मरने वाले बन जाओ अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी सुपर्द करने वाले हवाले करने वाले बन जाओ

आज दुनिया को जिस सबक को याद करके खुद पढ़ के दुनिया को पढ़ाने की जरूरत है आज हम मुसलमानों को जो सबक खुद याद करके दुनिया को पढ़ाने की जरूरत है कि हमारी और आपकी जिंदगी से यही हनीफीयत खत्म हो गई वो एक सुई खत्म हो गई हम अल्लाह के ना रहे या अगर अल्लाह के हैं भी अल्लाह के साथ गैरों के हुए और अगर अल्लाह के साथ गैरों के नहीं हुए तो हम अपनी ख्वाहिशात के हुए अपनी मर्जी के हुए अपने मफादात के हुए हम दुनिया के हुए दुनिया वालों के हुए दुनिया के अगराज मकासिद के हुए इस्लाम ने हमें सबक पढ़ाया था कि तुम सबसे कट जाओ सिर्फ एक अल्लाह ताला के हो जाओ लेकिन हमारा मसला यह है कि हमारी सुबह किसी की गुलाम है हमारी शाम किसी की पाबंद है हम कभी अपने बच्चों के मफादात के लिए कुर्बान हो जाते हैं हम कभी अपनी दुनिया की मसलहतों के लिए कुर्बान हो जाते हैं कभी अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करने लगते हैं कभी हम दुनिया वालों के सामने आजिज आ जाते हैं सुबह अल्लाह तबारक ने हम

Allah, हम सब के कुर्बानियों को कबूल फरमाएं लेकिन क्या आपको मालूम है अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये इम्तिहान अल्लाह जो लिया था उसके पीछे हिकमतें क्या थी मकासद क्या थे सही बात अल्लाह जानता है लेकिन कुरान की बाज़ आयतों के हवाले इल्म ने एक बात लिखी है कि अल्लाह तब्राहिम खलीला अल्लाह तला ने इब्राहीम को खलील बनाया अरबी जबान में खलील किसको कहते हैं का दोस्ती का मोहब्बत का वो मुकाम जो जिंदगी में सिर्फ किसी एक को दिया जाता है खलील कहते हैं ऐसे दोस्त को जो मोहब्बत के उस मुकाम को पा लेता है मेरे और आपकी जिंदगी का अगर कोई ऐसा दोस्त है जो दोस्त मेरी जिंदगी का सबसे अहम और एक है कई नहीं एक जो होता है उस मुकाम को अगर कोई पा लेता है उसे खलील कहते हैं ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया और इब्राहिम को हुक्म दिया कि तुम्हारा खलील भी सिर्फ मैं रहू अल्लाह ही के लिए बड़ा हो सकता है लिखा अल्लाह तला ने हजरत इब्राहिम को अस्सी साल तक औलाद नहीं अता फरमाई अस्सी साल के बाद जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को औलाद अता फरमाई हती के हजरत इब्राहिम की अहलिया मोहतरमा मायूस हो चुकी थी औलाद के होने की तरफ से मायूस हो चुकी थी फरिश्तों ने आके खुशखबरी दी तो कहा मेरी कहाँ से मेरी कहा मेरी मेरी बीवी वो बांझ नजर आती है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं कहाँ से मुझे औलाद होगी इतनी ज्यादा मायूसी बज़ाहिर अंबिया मायूस नहीं होते लेकिन असबाब ज़ाहिरी एतबार से देखें, तो असबाब मैसर नहीं थे ऐसी बज़ाहिर मायूसी के आलम में अल्लाह ताला ने इब्राहिम को औलाद अता फरमाई इस औलाद की मोहब्बत हजरत इब्राहिम के दिल में आई हम सब जानते हैं हमें से कौन है जिसे अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं इब्राहिम के दिल में भी अपनी औलाद की मोहब्बत आई मोहब्बत का आना गलत नहीं है दुनिया की हर चीज की मोहब्बत की एक हद अल्लाह ने रखी है उस हद में हर एक चीज से मोहब्बत करो आप हर उस चीज से मोहब्बत करो जो फितरी है लेकिन इस्लाम यह आपको सिखाता है यह मोहब्बतें अल्लाह की महब्बत के बाद होनी चाहिए अल्लाह की महब्बत इन तमाम मोहब्बतों पर गालिब होना चाहिए और उसका लाजिमी तकाजा ये होना चाहिए कि जब अल्लाह का हुक्म आए अल्लाह की हिदायत आए अल्लाह का फरमान आए अल्लाह का पैगाम आए अल्लाह तला की तरफ से कोई भी रहनुमाई आए अल्लाह की कोई कुरान की आयत नाजिल हो नबी की जबानी नबी का कोई फरमान हम तक पहुँचे ये हमारी तमाम किस्म की महब्बतों पर गालिब होना चाहिए यह फैसले यह अल्लाह का हुक्म यह नबी की तालीमत सबसे ऊपर होनी चाहिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में बच्चे की मोहब्बत पैदा हुई ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने यह देखना चाहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहीं अपने औलाद की मोहब्बत में खलील होने के उस तकाजे को भूल तो नहीं गए इसीलिए अल्लाह ताला ने बेटे को ज़बह कर देने का हुक्म दिया सुबह अल्लाह जिस बेटे को अस्सी साल के इंतज़ार के बाद पा पाया हो और जिसे बड़े नाजो न्याम में पाला हो जिसे बड़ी मोहब्बत और अपनाइत से परवान चढ़ाया हो आठ साल नौ साल दस साल बारह साल के लगभग का बच्चा हो उसे खुद अपने हाथों ज़बह कर देने का इम्तहान दुनिया में इससे ज़्यादा मुश्किल कोई इम्तहान नहीं हो सकता याद रखो जो आदमी मदहोश हो बेहोश हो जो आदमी पागल हो जो आदमी सही फितरत पे बाकी ना रहे पागल इंसान कुछ भी करता है अंबिया से ज्यादा होशमंद इंसान कोई नहीं होता और किसी होशमंद इंसान को अपने हाथों अपने बच्चों को जबा करने से ज्यादा सख्त इम्तिहान कोई नहीं होता है दरत इब्राहिम ने क्या किया अल्लाह तला के इस इम्तिहान में कामयाब हुए और यह सबूत दिया कि औलाद के आने से पहले जितनी आजमाइशें थी उनमें जिस तरह वह कामयाब हुए औलाद की मोहब्बत के बावजूद उस औलाद के इम्तिहान में भी वैसे ही कामयाब हुए उन्होंने कुर्बानी दी अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए आमादा हुए अल्लाह का करम हुआ कि बच्चे के बजाय अल्लाह ने दुमबा जबह करवाया लेकिन हजरत इब्राहिम ले अलैहिस्सलाम ने यह सबक याद दिलाया पढ़वाया कि देखो मैंने सिर्फ अपने बच्चे की नहीं बच्चे की, की शक्ल में अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है कि मेरे रब का यह हुक्म है आज हम और आप जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन मेरे भाइयों याद रखने की जो बात है वो ये जानवरों की ये कुर्बानी जितनी आसान है नफ्स की कुर्बानी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है और हकीकी कुर्बानी ये है कि जानवरों की कुर्बानी के साथ नफ्स को कुर्बान करने का सलीका सीख नफ्स को कुर्बान करने का ये अंदाज़ सीखो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत के अंदर पढ़ाया है मेरे भाइयों आज हमें गैरुल्ला की इबादत परस्त गैरुल्ला के सामने जाने उनके सामने मदद मांगने उनके सामने सजदे करने रुकू करने उनके तवाफ करने किसी भी आस्थान मुकाम से ताल्लुक तोड़कर अल्लाह से जुड़ने की जरूरत है यही हनीफियत है और इसी माने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हनीफ थे आज हमें अपनी ख्वाहिशात की गुलामी से आजाद होना है यह नफ्स बड़ा अयार है बड़ा मक्कार है बड़ा जोरदार है अगर एक इंसान इसके सामने एक बार हारता है यह इंसान को सौ बार हराता है यहां तक कि अपना गुलाम बनाकर छोड़ता है अपने इशारों पर उठाता बिठाता है अपने इशारों पर चलाता है अपने इशारों पर झुकाता है इंसान का नफ्स बड़ा ताकतवर है अगर इंसान उसके सामने कमजोर पड़ जाए लेकिन सुबह अल्लाह ने इंसान को इतना ताकतवर भी बनाया है ये खुद अगर तय कर ले दुनिया का ये सरकश नफ्स आपकी अपनी गुलामी करेगा आपको महसूस होगा हर बार वो कुछ कहता है लेकिन हर बार आप उसे शिकस्त देते हर बार आप उसे हराते हर बार आप उसे अल्लाह की मर्जी पे झुकाते हैं और फिर बंदगी का वो मजा आपको आता है अपने नफ्स को हराने में अपने नफ्स को शिकस्त देने में बندگی का वो मजा आता है जो दुनिया की किसी जंग जीत कर मुझको और आपको नहीं आ सकता अफसोस इसका है कि हमने जीतने का यह मजा अपनी जिंदगी में नहीं चखा है या बहुत कम चखा है मेरी मर्जी हुई गुम जब से तेरी मर्जी में मेरी मर्जी हुई गुम जब से तेरी मर्जी में मौत में भी पाए हैं मैंने जिंदगी के मजे भाइयों, इब्राहिम की कुर्बानी मजबूरी नहीं थी इब्राहिम की कुर्बानी ना नापसंदीदगी के साथ नाराजगी के साथ नहीं थी उस बंदगी में उन्हें मजा आया था उनकी जिंदगी में उस कुर्बानी में उनको लुत्फ आया था आप यकीन करो नफ्स को कुर्बान करने का सलीका सीखो बंदगी का ऐसा मजा आपको मुझको अपनी जिंदगी में मिलेगा कि जिसका कोई की कोई बदील नहीं जिसका कोई बदल नहीं जिसका कोई आल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास नहीं है मेरे भाइयों आज के इस खुदब ईद में मुझे आप हजरात और खातन को यही बुनियादी पैगाम याद दिलाना है जानवरों की कुरबानी देते हैं हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने नफ्स की और सिर्फ नफ्स की नहीं इस दुनिया से जुड़ी हर उस चीज़ की कुरबानी देनी पड़ेगी कि जिस कुर्बानी के बगैर अल्लाह ताला की रजामंदी न मिल पाती हो जिस जो चीज़ अल्लाह की रजामंदी की राह में रुकावट बनती हो उस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी कभी पैसे की कभी नाम की कभी शोहरत की कभी ओहदे की कभी अपनी पसंद की कभी अपने मफादात की कभी अपनी खुशियों की कभी अपने गम की कभी अपने गुस्से की कभी अपने मिजाज की कभी अपने सोच की कभी अपनी राय और अपनी फिक्र की कभी हमारे और आपके फैसलों की कभी हमें अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी जो रविश हमने अपनाई है उस रविश की कुर्बानी देनी पड़ेगी लेकिन याद रखो इस कुर्बानी के बाद ही असल बंदगी का मजा है और इस कुर्बानी के बाद ही असल में बंदगी का कमाल है वो कमाल जिस कमाल की तरफ अल्लाह के नबी प्यारे नबी मोहम्मद और इस दुनिया के सबसे अफजल बंदे करार पाए और जिस रास्ते पे हजरत इब्राहिम चल कर गए हाजीन गिरामी ईद की मुनासबत से यही बुनियादी पैगाम मुझे आप हजरत और खुतिन को देना है गिरामी कुछ दूसरी बातें इसी ईद की मुनासिबत से मुझे आप हजरा और खवातीन को याद दिलानी उनमें से एक बात यह है कि अल्लाह का फजलो करम है अल्लाह ने जिनको इस्तात दी है आज के दिन वो कुर्बानी करने जा रहे हैं या अगले तीन दिनों के अंदर आप कुर्बानी करेंगे अल्लाह ताला आप तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए लेकिन इनमें कुछ बातों को याद रखना सबसे पहले तो यह कि अगर अब तक भी कहीं आपकी मेरी नीयत में खुलूस में खलल आया है कहीं थोड़ी भी रियाकारी का कोई जज्बा आया है रुकें, सोचें अपने दिल का जायजा लें अपने दिल का जायजा लेकर अपने दिलों के अंदर इखलास पैदा करें कि बग़ैर इखलास की बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी बेमाना है बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी रायेगा जा, रायगा जाएगी अल्लाह ने फरमाया वला दिमाउहा वला मिनकुम अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला तक न इन जानवरों का गोश्त पहुँचता है न इनका खून पहुंचता है अल्लाह तक जो पहुँचता है वह आपका मेरा तकवा है मेरा और आपका इखलास है मेरी और आपकी

अल्लाह तला की बंदगी का मरकज बनने जा रहा है जिसकी तरफ लोग साल बसाल हज करते आएंगे तक करते रहेंगे इतनी अजीम नेकी, आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ा मुकाम क्या हो सकता है कि अंबिया के इमाम अल्लाह के नबी के बाद सबसे अफजल इमाम हजरत इब्राहिम उनके फर्जंद कर रहे हैं अल्लाह तला के घर की लेकिन दुआ कर रहे हैं रबना ताला हमारी तरफ से कबूल कर ले सुबहानअल्लाह किसी और का अमल मुखलिस होना हो इससे ज्यादा इखलास वाला अमल कोई हो नहीं सकता कायनात के अंदर इनमें इनका कोई मफाद नहीं कोई गरज नहीं और आपको यह भी मालूम है ना जिस वक्त का बतुल्ला तमीर कर रहे हैं वहाँ कोई बहुत बड़ा आबाद नहीं गिने चुने चंद लोग मौजूद हैं वहाँ तामीर करते हुए भी अपने अखलास की उन्हें फिक्र है तो आप बताओ आज हम उनकी उस सुन्नत को जिंदा करते हुए कुरबानी कर रहे हैं हमें रियाकारी से किस कदर ज़्यादा बचने की जरूरत है मेरे भाइयों अपनी कुर्बानियों में इखलास पैदा करो दूसरी बात यह कहना चाहूंगा नबी तो हिजरत करके मदीना आए मुसलमानों के पास मालीबार से, से कमजोर थे मुस्तहकम नहीं थे तो उन्होंने क्या किया अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तीन दिन से ज्यादा का गोश्त किसी घर में बाकी नहीं रहना चाहिए तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त किसी घर में बाकी नहीं रहना चाहिए अल्लाह के नबी ने यह हुक्म दिया क्यों ताकि तमाम मुसलमानों को गोश्त खाने के लिए मिले इस ईद के मौके पर सब तक गोश्त पहुँचे लेकिन जब अल्लाह ताला ने खुशहाली दी मुसलमानों में माशी हालात बेहतर हुए अल्लाह के नबी ने कहा मैंने तुम्हें ज़खीरा करके जमा करके रखने से मना किया था लेकिन अब तुम्हें इजाज़त है कि तुम खाओ खिलाओ और जख़ीरा करके रखना चाहो तो भी रखो यहाँ से एक सबक याद रखना चाहिए कि हमारी कुरबानियों का एक अजीम मकसद और अहम मकसद ये है कि हमारे घरों का गोश्त समाज के हर आदमी तक पहुँचे हर मुसलमान के घर तक पहुँचे उसके दरवाजे तक पहुँचे तलाश करो उन घरों को जिन घरों में कुर्बानियां नहीं हुई है उन घरों तक पहुंचकर उनको अदा करने की कोशिश करो यह सच है कि आप खाएंगे आपके रिश्तेदारों को खिलाएंगे लेकिन आज के दिन उन मुसलमानों को तलाश करो जिन घरों में आज के दिन कुर्बानी नहीं हो रही है खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि वक्त हमारे अपने सूबे के अंदर हुकूमत के फैसले की वजह से बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं हो पा रही है बहुत सारे जगहों पर तकरीबन नहीं हो पा रही है ऐसे मौके पे साल ब साल छोटा मोटा पैसा जमा करके कुर्बानी करने वाले लोग इन साल कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे घरों को तलाश करके उन तक कुरबानी का गोश पहुंचाने की कोशिश करें हाजिर एक बात और आप याद रखें नबीलात ने फरमाया ईमान पाकि सफाई आधा ईमान है आज हमें इस बात का सबूत देना है कि हम अपनी उस ईद में भी जिनमें जानवरों का खून और गोबर सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने का सबब बनता है आज हम सबूत देंगे कि हम मोमिन हैं और हम पाकि सफाई का ऐसा नमूना पेश करेंगे कि दुनिया हमारे इस अखलाक से मुतासर हो कि लाखों करोड़ों जानवर सबा हो गए लेकिन न मोहल्ला गंदा हुआ न रास्ते गंदे हुए ना बस्ती मोहल्ले के अंदर बदबू फैली इस ईमान का सबूत दें पाकि सफाई का ख्याल रखें જરાસી આપકી તવજ્જો સે ઇસ્લામ કા એક અચ્છા પેગામ ગેરઓ તક જા સકતા હૈ ખાસ તોર પર જબ દુનિયા ઇસ્લામ ઔર મુસ્લમાનો કે બારે મે ગલત ફેહમિયા ફેલાને મે લગી હૈ યે મેરી ઔર આપકી જિમ્મેદારી બનતી હૈ કે હમ ઔર આપ પાકી સફાઈ કા ભી ખ્યાલ રખે હાઝિનેギ ગрами ઈદ કે મુનાસબે સે દો તીન બાતે બડી તીઝી સે યે ભી બતાના ચાહુંગા ઈદ કી અસલ ખુશી યે હૈ મેને જસે કહા અપને નફસ કો કુરબાન karna હૈ ઔર ઈદ કી અસલ ખુશી યે હૈ કે ઝાહિરી લિબાસ કે સાથ સાથ ઝાહિરી ખુશી के साथ चेहरों की मुस्कुराहट के साथ दिलों की सफाई जरूरी है दिलों की सफाई जरूरी है इंसान को अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि अगर इंसान अपने दिल में पाल पाल के के रखना चाहे एक मसले को जिंदगी भर पाल के रख सकता है लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह ताला ने खुशियों की ऐसी मुनासिबतें कभी ईद के, के नाम पर कभी शादी ब्याह के नाम पर कभी मोहब्बतों की मुलाकातों के नाम पर अल्लाह ने इतने असबाब रखे हैं कि आप अपने नफ्स को हजार बार कुर्बान कर सकते हैं यह आपका मेरा है कि हम अभी भी अपने नफ्स के अंदर वो नफरत पाल के रखते हैं या सबकी कुर्बानी देकर सबको गले लगाने का सबक याद करते हैं इस्लामी शरीयत के सिखाए हुए इस सबक को हमें याद करने की जरूरत है दोस्त अहबाब से मिलिए रिश्तेदारों से मुलाकात कीजिए और साथ में इसका ख्याल रखिए कि मुलाकातों में महरम गैर महरम का ख्याल रखिए एक तरफ लोग या तो मुलाकातें नहीं करते या फिर मुलाकातें करते हैं तो फिर महरम और गैर महरम का कोई फर्क नहीं रहे जाता आपकी चाचाजा है।, है और ऐसे ही जिन खात के रिश्ते मैंने अभी जिक्र किए उनके लिए उनके सामने वाले जो अफराध मर्द हैं उनसे मुसाफा करना या आमने सामने बेपर्दा होकर सामने आना इस्लामी शरीय की नजर में जायज नहीं आप जाए घर जरूर लेकिन पर्दे के पीछे से सलाम करें पर्दे के पीछे से हाल चाल पूछें, पर्दे के पीछे से मुबारकबाद दें, ना यह करें कि ताल्लुका तोड़कर आसाद हो जाए ना इतने आसाद हो जाए कि ईद के दिन आपको जहां अपनी मर्जी को अल्लाह के मर्जी के ताबे करना है वहां बेपर्दगी या महरम रिश्तों के जो हकूक हैं उन पे हद से तजावज करके गैर महरम और फर, महरम के फर्क को मिटाने वाले बन जाए हाजिर नगरामी आखिरी बात जो इस हवाले से मुझे आज के खुदबे में कहनी है वो ये कि मेरे भाइयों इस वक्त दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है आप जानते हैं एक बात याद रखो भाइयों इस्लाम की तारीख इस बात पर गवाह है कि जब कभी इस्लाम पर हमले चाहे मुस्लिम हुकूमत पर हमले हुए हों या मुसलमानों पर हमले हुए हों, या इस्लाम और इस्लामी तालीमत पर हमले हुए हों जब मुसलमानों ने सब्र किया और अपने आप को मुत्तकी बनाया तो वहां से इस्लाम की फिर से नई शुरुआत का आगाज हुआ है आज मुसलमानों के मुल्क के अंदर हों या मुल्क से बाहर के हालात हों दुनिया के किसी भी चप्पे में अगर इस्लाम और मुसलमानों से कोई बात आपको तकलीफ दे रही है सब्र करो डटे रहो और अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया है उस इख्तियार में रहते हुए अपने हकूक की हिफाजत करने की कोशिश करो यकीन करो जब कभी इस किस्म की जबरदस्ती होती है हम इसे समझते हैं कि यह खुशखबरी है कि, कि इस्लाम की फिर से सानिया होने वाली है इनशाला आप यकीन रखो हमारी साढ़ी चौदह साढ़े चौदह सौ साल तारीख का यह सबक है आप चाहो तो पढ़कर देख लो जब कभी मुसलमानों पर ऐसी कोई आफत आई फर्द पर आई घराने पर आई मुसलमान आबादी पर आई इस्लाम पर आई प्यारे नबी मोहम्मद पर आई ये इम्तिहान है हमारा इम्तिहान है हम डटते हैं सब्र करते हैं और अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ लौटा कर ले आते हैं तो हर इस मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आसानी लाता

बार बार आजमाया लेकिन हजरत इब्राहिम ने हर बार साबित अपनाई तो हर आजमाइश के बाद अल्लाह तजरत इब्राहिम सातम को नवाजा है आज इस ईद कुर्बान की मुनासबत से की मुनासबत से मिलत इस्लामिया के तमाम अफरा सबक याद करने की जरूरत है यह दुश्मनों का मकर उनका फरेब उनकी अयारी उनकी मकारी उनकी जियादती उनकी जबरदस्ती उनकी अपनी जगह पर जबरदस्ती होगी लेकिन यह मेरी और आपकी बंदगी का इम्तिहान है कि हम कैसे सब्र करते हैं और कैसे हम रद्द अमल में हद से ना निकलकर अल्लाह ताला के फरमाबरदार बने रहते हैं और जब हम ये सुबूत देंगे वो दिन दूर नहीं हमारी आंखें देखेंगी और अल्लाह ने चाहा तो आंखें बूढ़ी होने से पहले देखेंगी और अगर हमारी अपनी बदआमलियों की वजह से अल्लाह की मदद आने में ताखीर भी होगी हम नहीं तो हमारी अगली नस्लें देखेंगी कि यही इस्लाम जिसकी वजह से आज दुनिया वाले हमसे नाराज़ नजर आते हैं या बाज़ लोग नाराज़ नजर आते हैं या नफ़रत का मुजाहरा कर रहे हैं इसी इस्लाम की वजह से कल हमसे मोहब्बत करेंगे हम उनसे मोहब्बत करेंगे इसी इस्लाम की वजह से इन शह मेरे भाइयों यही पैगाम मैं देते हुए अपनी गुफ्तगु को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह तला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली मेरी और आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए मेरी और आपकी इबादतों को कबूल फ़रमाए मेरी और आपकी दुआओं को अल्लाह कबूल फ़रमाए तबारकाल हम में से जो बीमार हैं उनको शिफा अता फ़रमाए जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए उनकी परेशानी को दूर करने के असबाब मुहैया फरमाए जो कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी के असबाब अल्लाह मुहैया फरमाए जो लोग बीमार हैं अल्लाह तक शिफा अता फ़रमाए जो लोग किसी भी हैसियत से परेशान हैं अल्लाह ताली उनकी मदद फरमाए जो बेरोज़गार हैं अल्लाह तक रोजगार अता फ़रमाए और जो लोग इंतकाल कर गए हैं अल्लाह ताली उन तमाम की मगफरत फरमाए उनको जन्नत नसीब फरमाए जन्नत के आला दर्जात में अल्लाह उनको दाखिल फरमाए अल्लाह ताला हम और आपको जब तक दुनिया में रखी ईमान और इस्लाम पर कायम रखे अल्लाह ताला मुसलमानों के जान माल इज़्ज़्ज्ज्ज्ज़त आवरू उनके दीन उनके शायर उनके मुकद्दसात, कुरान नबी काबत इस्लाम और इस्लाम के एक एक हुक्म की हरमत का अल्लाह ताली तहफ़ फरमाए नादानों को अल्लाह ताली समझ अता फ़रमाए अल्लाह तबारख मुल्क में अमन व अमान कायम रखे अल्लाह इस्लाम को समझने की सबको तोफी फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे और जब अपने ईमान तो के हालत में बुलाए अल्लाह हमारी कुर्बानियों में अता हमारी ईद में अता फरमाए और हमारी जो भी इबादत होती है अल्लाह तमाम इबादतों को महज अपने व करम से कबूल फरमाए